आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें हम सामाजिक समस्याओं का विवेचन करते हैं। उसके तहत भारत में जाति व्यवस्था पर हम बात करेंगे, जाति व्यवस्था की स्थिति, जाति व्यवस्था के लक्षण और जाति व्यवस्था में जो वर्तमान में परिवर्तन आ रहे हैं, इस पे आज के इस व्याख्यान के अंदर हम बात करेंगे। भारत में जाति व्यवस्था के बारे में जब बात की जाती है तो इसके अतीत को हमें देखना आवश्यक होता है कि जाति व्यवस्था किस प्रकार से प्रारंभ हुई, कालांतर में जाति व्यवस्था में किस प्रकार के स्वरूप और परिवर्तन आए। तो आज के इस व्याख्यान में हम जाति व्यवस्था के बारे में बात करते हुए जाति की विशेषताओं को बताने की कोशिश करेंगे। जाति व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि भारतीय जनसंख्या में हम एक प्राचीन संस्था के रूप में जाति को जानते हैं, जो कि हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। 21वीं सदी में रहने वाले भारत में हम यह जानते हैं कि जाति केवल हमारे अतीत नहीं बल्कि हमारे आज का भी एक गंभीर अंग है। जातियां जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम अतीत से इसको देखने की कोशिश करेंगे कि अतीत में किस प्रकार से जाति को हम भारतीय महाद्वीप से जुड़ी हुई ये एक भारतीय उपमहाद्वीप की एक अनूठी संस्था के रूप में इस जाति व्यवस्था को, इसके समानांतर कोई भी संस्था जाति के रूप में विश्व के दूसरे क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, परंतु इसके समान प्रभाव उत्पन्न करने वाली सामाजिक व्यवस्थाएं विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पाई जाती है। परंतु जाति व्यवस्था अपने आप में एक अपवाद है। हिंदू समाज की यह संस्थात्मक विशेषता है और इसका प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदायों में भी पाया जाता है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई और सिखों में भी यह व्यवस्था किसी रूप में अपने को देखने को मिलती है। जाति शब्द अंग्रेजी के कास्ट शब्द से बना है, जो मूल रूप से पुर्तगाली शब्द कास्ट से है। कास्ट का अर्थ है विशुद्ध नस्ल और अंग्रेजी शब्द कास्ट का विशिष्ट संस्थागत व्यवस्था से है। जाति का अर्थ प्रारंभिक रूप में एक वर्ण के रूप में देखा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार श्रेणियों में विभाजन को वर्ण कहा जाता है, परंतु कालांतर में जाति के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। वर्ण और जाति का आपसी संबंध की सटीक व्याख्या इस रूप में है और यह बहुत बहस का विषय रहा है। वर्ण जो है मूलतः उसमें कर्म आधार था, जाति में मूल जो बात है वो जन्म पर निर्भर है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में लगभग ये सुनिश्चित नहीं है, परंतु ये माना जाता है इन चार वर्गों का वर्गीकरण जो है वर्णों का वो 3000 वर्ष पुराना है। विभिन्न समय कालों में जाति व्यवस्था के विभिन्न रूप रहे, यह हजारों वर्षों से चली आ रही है, परंतु शुरुआत में जो विभाजन है ये बहुत कठोर नहीं था और ये जन्म पर आधारित नहीं था, यह विभाजन कर्म पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था बहुत कठोर संस्था बनी और जाति की जो है विशेषताएं इस आधार पर तय हुई। जाति जन्म से निर्धारित होती है, एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है। जाति कभी चुनाव का विषय नहीं होती, अर्थात हम चयन नहीं कर सकते, हम अपनी जाति को कभी बदल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, ये बंद व्यवस्था है। हम इस बात का चुनाव नहीं कर सकते कि हम इस जाति में शामिल होना है या नहीं। जाति से बहिष्कृत व्यक्ति को किया जा सकता है, परंतु जाति परिवर्तित नहीं हो सकती है। जाति सदस्यता एक बंद समूह के रूप में उसको माना जाता है, बंद वर्ग के रूप में जाति संस्था को माना जाता है। जाति के सदस्य के लिए विवाह संबंधी कठोर नियम होते हैं, अर्थात जाति समूह सजाती होते हैं और विवाह उसी अपने सजातीय समूह में ही जाती है।
जाति की सदस्यता में खाना और भोजन संबंधी नियम होते हैं, किस प्रकार का खाना खा सकते हैं, किस प्रकार का खाना नहीं खा सकते, खाना किसके साथ हम शेयर कर सकते हैं, किसके साथ शेयर नहीं कर सकते, तो भोजन संबंधी प्रतिबंध भी पाए जाते हैं। जाति एक श्रेणी और परिस्थिति के आधार में एक पद सोपान वाली व्यवस्था है, जिसमें हर व्यक्ति की जाति होती है और जाति का एक ऊंच नीच का एक क्रम होता है। अनेक जातियां अधिक्रमित, कुछ उच्च स्थान पर, कुछ मध्यम स्थान पर और कुछ निम्न स्थान पर होती है। तो जाति एक हायरार्किकल व्यवस्था है, पद सोपान युक्त व्यवस्था है। जातियों में उपविभाजन भी होता है, अर्थात जातियां उपजातियां भी होती है। यह एक समाज का खंडात्मक विभाजन है, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जातियों का एक परंपरागत व्यवसाय होता है, एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े हुए व्यवसाय को ही अपना सकता है, अर्थात अपने वंशानुगत व्यवसाय से यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है और एक विशेष व्यवसाय किसी जाति के जुड़े होने से उसको लोप करते हैं, किसी दूसरी जाति के सदस्य वह काम नहीं कर सकते। प्राचीन धर्म ग्रंथों में और इसमें काफी इसके विशेष जो है प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं। धार्मिक और कर्मकांडीय दृष्टि से जाति की जो ऊंच नीच की व्यवस्था है वह शुद्धता और अशुद्धता के बीच अंतर पर आधारित होती है। यह विभाजन हम पवित्र के करीब माने जाने वाले कर्मकांड और शुद्धता के आधार पर उसको शुद्ध माना जाता है, उसको पवित्र माना जाता है, और उसके विपरीत माने जाने वाले कर्मकांड जो प्रदूषित होते हैं उसके आधार पर उसको अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार खान पान और भोजन संबंधी प्रतिबंध भी जाति में पाए जाते हैं। औपनिवेशिक काल में भी जाति का एक स्वरूप हमको देखने को मिला। जनगणना के 1881 में ब्रिटिश ने और रिजले ने जनगणना के अंतर्गत जाति के जो सोपान है इसके बारे में जानकारी एकत्रित की। जाति का उपनिवेश काल में जाति संस्था में अनेक परिवर्तन हुए, परंतु उपनिवेश काल में जाति संस्था में आधारभूत परिवर्तन आए और भारत में इससे काफी प्रभाव पड़ा। जाति वर्तमान में स्वतंत्रता के बाद जाति को काफी इसमें सुधार आया, अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया, विभिन्न जातियों को लेकर जो संवैधानिक जो है उसमें प्रावधानों में काफी परिवर्तन आया और जाति में लगातार हम देख रहे हैं परिवर्तन आ रहे हैं। इसी प्रकार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जाति में परिवर्तन आया। समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने संस्कृतिकरण को समझाने की कोशिश की है। एक प्रभु जाति के ऊपर निर्भर होता है, जिस क्षेत्र में जो जाति बाहुल्य वाली होती है और प्रभुता संपन्न होती है, अन्य जो जातियां जो कमजोर हैं वह भी उस जाति का अनुकरण करने की कोशिश करती है। संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आमतौर पर निम्न जाति या मध्य जाति किसी उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं और सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि यह घटना काफी पुरानी है, परंतु दक्षिण भारत के अंदर M.N. श्रीनिवास ने इस अपने अध्ययन में इसको अपनाने जानने की कोशिश की। प्रभु जाति से तात्पर्य उन जातियों से है कि जिनकी संख्या काफी बड़ी होती थी, जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमिक सुधारों के बाद भूमि अधिकार प्राप्त थे और भूमि अधिकारों के साथ ही ये अपना प्रभुत्व रखते थे। इसके आधार पर जो वहाँ जो भी जातियां थी वो उनका अनुकरण करती थी, इसको संस्कृतिकरण कहते। वर्तमान में जाति व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण कई परिवर्तन हुए और जाति व्यवस्था जो नगरीकरण में हम अगर देखते हैं, नगरीकरण के कारण जाति व्यवस्था लगभग अदृश्य होती जा रही है। भारत में अभी वर्तमान में जो हम नगरीय क्षेत्रों में देखते हैं, प्रौद्योगिकी के कारण, विज्ञान के कारण, आधुनिक विकास के कारण जाति का महत्व कम होता जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजातियों को विभिन्न संवैधानिक प्रावधान मिलने के कारण उनकी स्थिति में काफी परिवर्तन आ रहा है। शिक्षा के कारण जाति में काफी परिवर्तन आ रहा है।
और अभी एक वर्तमान में राजनीतिक परिवेश को देखते हुए भी जाति और राजनीति का एक नया जो समीकरण हमको देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।